राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में फेरबदल को लेकर काफी वक्त से अटकलों का दौर तेज है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में डिप्टी सीएम के पद पर कई बदलाव होंगे। इन्हीं कयासों ने सवालों को जन्म दिया है कि क्या सचिन पायलट की छुट्टी होने वाली है, आखिर गहलोत क्या फैसला लेने वाले हैं। इन्हीं सवालों के बीच आज सचिन पायलट ने खुद डिप्टी सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में भले ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीत लिया हो, लेकिन सूबे में उसकी चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई हैं। खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को सख्ते में डाल दिया है। इसीलिए पार्टी को मजबूती देने के लिए अब अशोक गहलोत अपने पूर्व कार्यकाल के फैसलों को फिर से अमल में लाने की तैयारी में है। अब वो क्या बदलाव करेंगे, किसकी छुट्टी करेंगे, किसको पद देंगे, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन इस खबर ने सियासी गलियारों में अटकलों के दौर को तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि सूबे में 5 डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। इन अटकलों को उस वक्त और हवा मिल गई जब खुद सचिन पायलट ने सूबे में नए डिप्टी सीएम बनाए जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर सकती है और किसानों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो केवल 2 ही क्यों, राज्य में 5 उपमुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। सचिन पायलट ने भले ही डिप्टी सीएम के पद पर गोलमाल जवाब दिया हो, लेकिन उनका बयान संकेतों पर मुहर लगाता नजर आ रहा है। दरअसल चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत राज्य में जातीय समीकरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 2 और मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी भी इस वक्त राजस्थान में जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। इसीलिए उसने जाट नेता और विधायक सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी की इसी रणनीति को फेल करने के लिए गहलोत अपने पहले कार्यकाल के फैसलों को अमल में ला सकते हैं। उन्होंने 2009 में जाट समुदाय पर वर्चस्व रखने के लिए कमला बेनीवाल और अनुसूचित जाति में वर्चस्व रखने के लिए बनवारी लाल बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया था। अब वो बीजेपी को इस जंग में मात देने के लिए किसे डिप्टी सीएम पद की कमान सौंपते हैं, सरकार में क्या फेरबदल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।